नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आज से चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो देश में सियासी कह सकते हैं तकरार छुड़ी हुई है इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। अब इस डेटा पर जो बहस छिड़ी हुई है सत्ता पक्ष लेकर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मांग की गई है कि जो चंदा देने वाली जो जानकारी सार्वजनिक की है चुनाव आयोग ने, SBI ने जो डेटा दिया था सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उस डेटा में पूर्ण जानकारी नहीं है। इन्हें यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो संख्या है वो सार्वजनिक नहीं की गई, संख्या उपलब्ध नहीं कराई है चुनाव आयोग को SBI ने। ये कहना है जो याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई और चुनाव आयोग समेत SBI को आदेश दिया कि हर हाल में सोमवार को जो बॉन्ड नंबर है वो उपलब्ध कराइए और बताइए किसने किसको कितना चंदा दिया। फिलहाल आज हम बात करेंगे उन कंपनियों की, उन बिजनेसमैन की जिन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, यानी टॉप 20 कंपनियों की बात करेंगे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, और बात करेंगे किस दल को कितना चंदा मिला है, कितनी हिस्सेदारी तय की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को डेटा जो है वो SBI ने दिया है, कब से कब तक दिया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर क्यों बवाल छिड़ा हुआ है। तो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझा देते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक चंदा मिला है राजनीतिक दलों को, इसकी जानकारी SBI ने चुनाव आयोग को दे दी है। यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 यानी इसी साल पिछले महीने तक 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो राजनीतिक चंदा दिया गया है उसमें और क्या कुछ है। तो बॉन्ड खरीदने वाले जो शीर्ष डोनर्स हैं उन्होंने 5830 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कुल राजनीतिक चंदे का लगभग 48% है। आप समझिए जो 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया है उसमें जो शीर्ष डोनर्स हैं यानी जो टॉप डोनर्स हैं उन्होंने 5830 करोड़ रुपए दिए हैं चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को, जो कुल 48% है। आप समझिए किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया। अब हम उन कंपनियों की बात कर लेते हैं जो शीर्ष 20 कंपनियां हैं, जो टॉप 20 कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कह सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, पैसा दिया है, रकम दी है। तो कौन सी शीर्ष 20 कंपनियां हैं आप ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात आती है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं राजनीतिक दल को। हालांकि किसको दिए हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बॉन्ड नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो आया है वो SBI ने नहीं दिया है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। तो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दूसरे नंबर की वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा दिया है राजनीतिक दलों को, 966 करोड़ रुपए। ये शीर्ष 20 कंपनियां हम आपको बता रहे हैं। तीसरे नंबर की है बिग सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो शीर्ष कंपनियां लगातार इन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इसके बाद बात करेंगे चौथी वो शीर्ष कंपनी कौन सी है जिसने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए कह सकते हैं पैसा दिया या फिर चंदा दिया, वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उसके बाद पांचवें नंबर की कंपनी आती है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, इसने 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। उसके बाद भारतीय ग्रुप आता है, भारतीय ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को दिए हैं। उसके बाद सातवें नंबर की वो कौन सी कंपनी है वो भी हम आपको बता देते हैं कि सातवें नंबर की वो कंपनी कौन सी है जिसने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, वो भी आप समझ लीजिए। सातवें नंबर की जो कंपनी है वो मदन लाल लिमिटेड है। मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए का जो है चंदा वो राजनीतिक दलों को दिया है चुनावी बॉन्ड के जरिए। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है DLF ग्रुप, DLF ग्रुप ने 170 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि जो DLF ग्रुप है वो देश का बहुत बड़ा DLF ग्रुप है और कई उनकी सहायक कंपनियां हैं, कई उनके मॉल हैं, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। हालांकि अगली जो नौवीं कंपनी है वो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंपनी है, इसने 162 करोड़ रुपए का चंदा दिया है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएं। ये नौ कंपनियां ऐसी, दसवीं कंपनी कौन सी है आप वो भी समझ लीजिए।
उत्कल एलुमिना इंटरनेशनल, इसने 145.3 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। अगली कंपनी कौन सी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, 123 करोड़ रुपए का जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो कंपनी है उसने 123 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। ये वही जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी है जिसके तमाम स्टील के चीज़ें सामान हो या फिर कह सकते हैं पावर से जुड़ी चीज़ें हो या फिर यूं कह सकते हैं पाइप हो जो जिंदल के आते हैं। तो जिंदल बहुत बड़ी एक कंपनी है, उसने 123 करोड़ रुपए के कह सकते हैं चुनावी बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया। अगली कंपनी है बिड़ला कार्बन इंडिया, बिड़ला कार्बन इंडिया ने 105 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया है, बॉन्ड खरीदे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। तो ये हो गई वो शीर्ष कंपनियां। अगली कौन सी कंपनी है वो देख लेते हैं जिसने राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा दिया। ये रूंगटा सन्स कंपनी है, इसने 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। उसके बाद डॉक्टर रेडीज हैं, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और अगली जो कंपनी है वो भी बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, नाम आप सुन लीजिए, पिरामल इंटरप्राइजेज ग्रुप, इसने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो आप समझिए किस तरीके से हमारे देश की कंपनियों ने, तमाम बिजनेसमैन हैं, तमाम उनकी कंपनियां, उन्होंने किस तरीके से चुनावी बॉन्ड के जरिए अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। तो अगली कंपनी कौन सी है वो भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिया। अगली कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग ग्रुप, ये नवयुग इंजीनियरिंग ग्रुप है, इसने 55 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया। उसके बाद शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स कंपनी है, इसने 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। पीछे कोई नहीं है, सबने करोड़ों में चंदे खरीदे हैं और राजनीतिक दलों को भुनाने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो अगली कंपनी कौन सी है वो भी हम आपको समझा देते हैं कि किस और कौन सी कंपनियां जो बची हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं और चुनावी चंदा दिया है। तो वो टॉप 20 ये कंपनियां थी जिन्होंने राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा चंदा दिया। हमने आपको बताया मेगा इंजीनियरिंग से लेकर तमाम फ्यूचर गेमिंग से लेकर तमाम बड़ी कंपनियां जो शीर्ष 20 कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला और कैसे मिला और शीर्ष पर कौन सी पार्टी है। तो दिखाते हैं आपको कौन सी शीर्ष पर पार्टी है। शीर्ष पर पार्टी है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी, भाजपा जो भी सत्तारूढ़ है केंद्र में, इसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इनकी हिस्सेदारी है 47.46, यानी 47.5% इनको चंदा मिला है। कुल चंदे का 47.5% यानी 47.46% चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो रकम है 6060 करोड़, यानी 60 अरब रुपए इनको मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। 60 अरब बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और 47% अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं, यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, बाकी तरफ सारे राजनीतिक दल। अगली जो पार्टी है उसको कितना चंदा मिला, उसका नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, जिनको 1609 करोड़ रुपए मिले हैं और इनकी हिस्सेदारी है 12.60%, यानी 12% के आसपास इनको भी चंदा मिला है। और ये दूसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। अगली तीसरे नंबर की पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, तीसरे नंबर पर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने में, यानी कांग्रेस पार्टी। इनको सिर्फ 1421 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं, इन्होंने भुनाए हैं, और 11.14% अपनी हिस्सेदारी तय करती हैं। तो आप ये तीन कंपनियां देखिए, तीन पार्टियां देखिए, राजनीतिक दल, नंबर एक पे बीजेपी 6060 करोड़, नंबर दो पे टीएमसी 1609 करोड़, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसको 1421 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं। अब अगली पार्टी कौन है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो बड़ा खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। अगली पार्टी है वीआरएस, इनको 1214 करोड़ रुपए मिले हैं और 1214 करोड़ में ये 9.11% की हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं, हिस्सेदारी तय करते हैं, यानी चौथे नंबर की वीआरएस है। पांचवें पे बीजेडी आती है, यानी बीजू जनता दल, और इनको 775 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और इनकी हिस्सेदारी है 6.07%, यानी 6% इनकी हिस्सेदारी है। और अगली पार्टी है तमिलनाडु की डीएमके, जिनको 639 करोड़ रुपए मिले हैं
और 5% अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं। तो किस तरीके से कोई पार्टी पीछे नहीं है, सबको करोड़ों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा मिला है। अगली पार्टी कौन सी है वो भी आप समझ लीजिए और हम आपको समझा देते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि अगला वो राजनीतिक दल कौन सा है जिनको सबसे ज्यादा चंदा मिला है। वाईएसआर कांग्रेस, इनको 337 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं और इनकी हिस्सेदारी है 2.64%। अगली पार्टी कौन सी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, इनको मिला है 218.90 करोड़ रुपए, यानी 218 करोड़ रुपए इनको मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और इनकी हिस्सेदारी है 1.17%, यानी 1% से ज्यादा टीडीपी को भी राजनीतिक चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अगली पार्टी कौन सी है वो भी आप समझ लीजिए, हम आपको लगातार पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं। अगली पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की, महाराष्ट्र से आती है और शिवसेना को मिला है 159 करोड़ का चंदा, इनकी हिस्सेदारी है 1.24%। उसके बाद बिहार की पार्टी आती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इनको 72.50 करोड़ यानी 72.5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं और इनकी हिस्सेदारी है 0.57%, यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, इनको भी 72 करोड़ से ज्यादा रुपए का चंदा मिला। यानी कोई भी राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा के मामले में पीछे नहीं है, लगभग सभी को चंदा मिला है। तो ये वो राजनीतिक दल थे जिनको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो सबसे ज़्यादा चंदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बीजेपी को मिला है 6060 करोड़, और करीब 47% से ज़्यादा की अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने के मामले में। अब हुआ क्या है, ये डेटा तो सामने आ गया, इस डेटा से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, किसने कितना चंदा दिया ये सामने आ गया, इस डेटा से ये भी सामने आ गया कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये कि किसने किसको चंदा दिया, ये क्लियर नहीं हो पाया, यानी किस कंपनी ने, किस बिजनेसमैन ने किस राजनीतिक दलों को चंदा दिया है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इस डेटा से। यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, उसने बॉन्ड नंबर नहीं दिया है, बॉन्ड नंबर सार्वजनिक नहीं किया है और शायद यही वजह है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है किस राजनीतिक दल को किस कंपनी से कितना पैसा मिला। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और कल CJI की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फटकार लगाई, केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उनको फटकार लगाई और कहा कि SBI ने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए, हमने पुराने अपने आदेश में पहले कह दिया था कि एक एक जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए और चुनाव आयोग अपनी साइट पर अपलोड करे ऑफिशियल वेबसाइट पर, बावजूद इसके SBI ने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए, जब तक बॉन्ड नंबर सामने नहीं आएगा तब तक क्लियर कैसे होगा किस राजनीतिक दल को किस कंपनी से कितना पैसा मिला। हर हाल में सोमवार को SBI बॉन्ड नंबर सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करवाए, उसकी जानकारी दे और चुनाव आयोग को जानकारी दे। तो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कल के बाद परसों सोमवार को इस पर सुनवाई होगी और स्टेट बैंक को पूरी डेटा देना पड़ेगा, बॉन्ड नंबर बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को, इस देश की जनता को कि किस बॉन्ड नंबर के जरिए किस राजनीतिक दल को किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। ये तो दो सूची आ गई है, एक में तो किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन किसने किसको दिया ये तो अभी स्पष्ट नहीं है ना। बस हवा में गोली चल रही है कि 47% बीजेपी को मिला है इसलिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा कंपनियों से मिला होगा, लेकिन किसने किसको दिया है ये भी सार्वजनिक होना है। सुप्रीम कोर्ट इसी पर लगातार सुनवाई कर रहा है। बहरहाल सोमवार को देखना होगा सुप्रीम कोर्ट को SBI पूरा डेटा देता है कि नहीं देता है, क्योंकि सोमवार को एक अहम सुनवाई होने जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पर और CJI की अध्यक्षता में ये पूरी सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।